ओला फूड डिलीवरी, ओला फूड डिलीवरी, सारे राइडर पागल हो रखे हैं ओला फूड डिलीवरी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ओला दे रहा है हर डिलीवरी पे ₹50 इंसेंटिव। लेकिन क्या ये सच है? क्या इंसेंटिव मिल रहा है? क्या ओला की फूड डिलीवरी करने पर जो अमाउंट मिल रही है रनिंग की, वो बहुत अच्छी मिल रही है? हकीकत जानने के लिए आज का वीडियो स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बस ख्वाबों में कमाओगे, ख्वाबों में कमाओगे। और हाँ, एक बात बताना चाहते हैं भाई, कल की वीडियो यानी आज हम सोमवार को ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल संडे को एक ऐसी घटना घटी थी जिसके अंदर हमने ऊपर वाले से, ईश्वर से शिकायत करी थी कि ईश्वर तुमसे भी गलतियां होती हैं, सिर्फ इंसान गलतियां नहीं करता है। क्या वजह थी, किस लिए हमने ऐसा बोला था, वो भी वीडियो में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा कल दिल थोड़ा सा हिल गया था। कोई बात नहीं, खैर अब हम बात करते हैं ओला की। तो ओला का जो भी रेट आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इंसेंटिव दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो एक डिलीवरी कंप्लीट करी है हमारे एक भाई ने और पूरी डिटेल उन्होंने हमको भेजी है। हमने उनसे कॉल पर भी बात करी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनना, उसके बाद आप एक सही निर्णय पर पहुंच पाओगे कि क्या आपको ओला फूड डिलीवरी के अंदर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज है रविवार यानी संडे का दिन, इसका मतलब फन डे का दिन। जी हाँ, काम करेंगे फन करते हुए, मजा करते हुए, क्योंकि अगर काम को काम की तरह किया तो थकावट जल्दी हो जाती है। और हाँ, आज तो भाई ओला के अंदर फूड की बुकिंग का भी इंतजार है। अगर फूड की बुकिंग आई तो मारेंगे जरूर, कंप्लीट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने रुपए कितने किलोमीटर के मिलते हैं, प्लस इंसेंटिव अगर मिलता है तो उसे कहां पर चेक करना होता है। चलिए इंतजार करते हैं किसी बुकिंग का। यार दिल्ली का एक ऑर्डर था, पोर्टर के अंदर छूट गया, कोई नीली वर्दी वाला ले गया यार। तो दोस्तों, अपना एक मूर्ति के पास खड़े थे और हमें दो भाई मिल गए हैं। एक भाई जो है हमारे फेवरेट थे, इन्होंने हमें पहचान लिया, और एक भाई भाई ये हैं जिन्होंने अभी अभी ओला के अंदर फूड डिलीवरी कंप्लीट करी है। 2.9 किलोमीटर की ये डिलीवरी थी और कितने मिले, 31-32 रुपए था, लेकिन 24 रुपए कुछ पैसे मिले। 24 रुपए कुछ पैसे मिले, नहीं टोटल अर्निंग तो वो 23 रुपए दिखा रहा है, 23 रुपए 76 पैसे मिले, 32 रुपए। तो भाई 32 रुपए की राइड थी और ये देख लो आप, 23 रुपए 76 पैसे इनको मिले हैं 3 किलोमीटर के ओला के अंदर। और इंसेंटिव भाई, पूरा मोबाइल हमने इनका चेक कर लिया, कहीं कोई इंसेंटिव हमें नज़र नहीं आ रहा है। खैर अब ये रात को अपना बैलेंस चेक कर लेंगे और फिर सुबह दोबारा से बैलेंस चेक करेंगे, तब पता चलेगा इंसेंटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और हमारे भाई जा रहे हैं, इनको ऊबर के अंदर बुकिंग आ गई है। चलो हम भी इंतजार करते हैं भाई, कोई फूड की बुकिंग आएगी तो हम पूरा डिटेल में आपको बता देंगे मिलता है या नहीं मिलता है। अभी अभी 2 घंटे के अंदर पहली राइड हमें कंप्लीट करी है ओला के अंदर, और भाई कमाई आप जानते हैं कितनी करी, कमाई करी है 41 रुपीज़। जी हाँ, 43 रुपीज़ की बुकिंग आई थी, 2 रुपये उसने काट लिए और 41 दो घंटे के अंदर, इतनी तगड़ी कमाई, कहाँ जाएंगे हम, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें इसे, कोई ले लो भाई हमसे ये 41 रुपीज़। खैर भाई, ओला के अंदर जो फूड की डिलीवरी उस भाई ने कंप्लीट करी थी, उसका गणित तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इंसेंटिव कहीं नज़र नहीं आ रहा, पूरा मोबाइल हमने चेक कर लिया था। और सबसे बड़ी बात है, 3 किलोमीटर की बुकिंग में अर्निंग उसको दिखा रहा है 32, लेकिन अगले को मिल कितने रहे हैं, 24। तो भाई उबर की आवाज़ तो आपने सुनी ली थी, जी हाँ एक बुकिंग आई थी, उनको हमने सेक्टर 19 छोड़ दिया है। और ओला की बात कर रहे थे भाई, ओला की अभी हम बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। यार उबर के अंदर आज दिल्ली की बुकिंग आ रही है, आज दिल्ली जाके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने बोर्जो के अंदर एक बुकिंग उठा ली है, 178 रुपये की बुकिंग है, ये जाएगा अपना वही गौड़ सिटी की साइड में कहीं पर। चलिए इसको ही छोड़ते हैं और भाई कमाई करते हैं, DLF मॉल से इस आइटम को उठाना है, आइटम है जूता। चलिए कोई बात नहीं भाई, जूता ही डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों, बोर्जो के इस पार्सल को डिलीवर कर दिया है, साइड में आपको दिख ही रहा होगा 45 मिनट पहले इस पार्सल को हमने डिलीवर किया है भाई। और अगर बात करें किलोमीटर की तो 20 किलोमीटर की ये राइड थी, इससे पहले वाली उबर के अंदर जो राइड थी वो 17 किलोमीटर की थी, दोनों में भाई फर्क नजर आ रहा है पैसों का। पार्सल तो दोस्तों आपने देखा, हमने एक पार्सल रिसीव किया है भाई, ये जाएगा मॉडल टाउन। अभी 5:30 बजे के आसपास ये पार्सल लिया है और भाई वहाँ पहुँचते 7 बज जाएंगे, क्या करें भाई, इस टाइम लेना तो नहीं था लेकिन सब पैसे की माया है, आप जानते ही हो।
एक टाइम था फूड डिलीवरी के बारे में कोई सोचता नहीं था, बाइक टैक्सी वाला या पार्सल वाला। आज सब देखो फूड डिलीवरी चालू कर रहे हैं ओला की। क्यों? क्योंकि भाई 50 रुपए इंसेंटिव मिल रहे हैं, सब पैसे की माया है। अब जाके देखते हैं भाई, वहां से बड़ी दिक्कत लग रही है वापसी की। ईश्वर करेगा तो भाई जरूर मिलेगी नोएडा की ट्रिप, नहीं तो ढुल्ले 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 आई जाएंगे वापस। 8 बज चुके हैं और हम खड़े हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास। यहीं की ट्रिप लेके आए थे आनंद विहार की, वहाँ मॉडल टाउन से। और आज मूड बिल्कुल खराब हो गया है। मन ऐसा कर रहा है कि ऊपर वाले को बोल रहे हैं हम बार बार, मन क्या कर रहा है यार, बोल ही रहे हैं कि ऊपर वाले तू भी बहुत गलत करता है, तुझसे भी गलतियाँ होती हैं। अभी हम ये क्यों कह रहे हैं भाई, वो इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ऊबर के पार्सल को डिलीवर करने के लिए वहाँ पहुँचे तो कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर बोलता है 3री मंजिल पर आ जाओ। भाई हमने कहा यार ड्रॉप लिखा हुआ है रोड साइड और 3री मंजिल पर बुला रहा है। खैर मन मार के हम 3री मंजिल पर गए, हमने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद भाई एक लड़की आई, उम्र थी उसकी तकरीबन 18, 20, 22 के आसपास होगी टोटल। और भाई आते के साथ ही उसने बोला कि लाओ ये पार्सल, और दोनों हाथ ना ऐसे ऐसे दोनों हाथ करके उसने फैला दिए। और फैलाने के बाद हमने देखा यार ये अभी तो पार्सल हमारे बैग में ही है और ये दोनों हाथ फैला के क्यों खड़ी है। उसकी तरफ देखा तो देखकर भाई थोड़ा सा एकदम रोना सा आ गया, इतनी सुंदर लड़की, इतनी बढ़िया लड़की, और ऊपर वाले ने भाई उसकी आँख की रोशनी छीन रखी थी। कसम से दिल एकदम पसीज सा गया और दिल से यही निकला कि ऊपर वाले तुझसे भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। खैर उसके बाद मूड नहीं किया भाई, ट्रिप आ गई थी, आपको कुछ नहीं बताया। बस पूरे दिमाग में पूरे रास्ते में ना सिर्फ उस लड़की का चेहरा, उसकी मासूमियत, बस वही नज़र आती रही हमें और कुछ नज़र नहीं आया। अब काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है भाई, यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा अपने घर। तो दोस्तों अब हम आपको सुनाते हैं और प्रूफ भी दिखाते हैं कि जिस भाई ने एक डिलीवरी करी थी ओला के अंदर उसको अगले दिन इंसेंटिव मिला या नहीं मिला, क्योंकि उस भाई ने हमें व्हाट्सएप पर सारी डिटेल भेज दी है। प्लस इस डिटेल के बाद हमने उनसे कॉल भी करी है, तो आप कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या निर्णय लेना है। हाँ मिश्रा जी बोल रहा हूँ। नमस्कार जी मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार। चेक किए थे कितना मिला क्या मिला? वही जो दिखा रहा था ना, 23 रुपए 76 पैसे। वही इंसेंटिव में कुछ नहीं आया? जो इंसेंटिव वाला टैब है बगल में? नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं आया। उसमें कुछ नहीं आया? नहीं। रात को बैलेंस चेक किया था तुम्हारा कितना था? मैंने उबर पे वही राइड मिली, उसके बाद कोई राइड नहीं आई। अच्छा ओला में तुमने वही 23 रुपए 76 पैसे वाली राइड करी थी, उसके बाद कोई राइड ही नहीं आई? कोई राइड नहीं आई। तो आज की डेट में जो है बस वक्त तुम्हारा जो है वो 24 रुपए कुछ पैसे बैलेंस दिखा रहा है, वही है बस। यानी कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं कोई नहीं मिला। फिर पैसा 23 रुपए जो पैसा था 24 रुपए। हाँ वो अकाउंट में आ गया होगा। हाँ अभी अभी सुबह 8:30 बजे के करीब। हाँ हाँ इसका मतलब भाई नहीं मिल रहा है, है? बता। और रेट भी देखो कितना कम मिल रहा है फिर उस हिसाब से तो यार। स्विगी जोमेटो भी एकदम घटिया निकला है तो। हाँ 2.9 यानी 3 किलोमीटर का 23 रुपया दे रहा है, यानी क्या फायदा दे रहा है? इससे अच्छा तो ओला का बाइक टैक्सी कर लो, वो 3 किलोमीटर का 35 रुपए 40 रुपए दे देता है। बताओ वहाँ गया 10 मिनट रेस्टोरेंट पे, फिर वहाँ से आया 5 मिनट गार्ड एंट्री कराओ, एंट्री कस्टमर जाओ, कस्टमर के पास वहाँ करो, दुनिया भर का लफड़ा साला इसमें अलग से। अरे तुम्हारा वो राइड में टाइम देखो ना, 40 मिनट दिखा रहा है भाई। एक 23 रुपए कमाने के लिए 40 मिनट का टाइम लगा है, और वो भी 40 मिनट तब तक का काउंट हो रहा है जब तुमने राइड जैसे ही पार्सल कस्टमर को दिया और ट्रिप एंड कर दिया, उसके बाद सोसाइटी से बाहर बुहर निकले होंगे 5 मिनट उसमें भी है, यानी कि 1 घंटे में आदमी जो है 20 रुपया कमा रहा है। यार क्या कमा रहा है भाई ऐसे फूड डिलीवरी में?